तो ये अब देख सकते हैं सूप बनाने के लिए प्याज मैंने काट के रख दिया है, मिर्ची, इसमें आप लोग हरा मिर्ची भी ले सकते हैं, मैंने सूखा मिर्ची लिया है जिसको मैंने पानी में भिगो के रखा था, उसके बाद इसको काट लिया थोड़ा। ये है अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, और ये है काली मिर्च, और लौंग भी है इसमें, क्योंकि काली मिर्च का अभी पाउडर है मेरे पास, मुझे ढूंढना पड़ेगा, इसलिए इसको ही मैंने थोड़ा कूट के रख दिया। देखते हैं अभी बनाएंगे हम लोग अभी चिकन का जो फूट होता है पैर, उसका सूप। तो ये देखिए टंगरी भी आ चुका है, अभी इसी का सूप बनेगा। तो मैंने कुकर में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, नमक दे दिया है उसमें मैंने, अभी जितना भी सामान है यह सब मैं इसमें डालूंगी, उसके बाद 2 सीटी लगा दूंगी, बन जाएगा मेरा टंगरी का सूप। तो इसमें मैंने प्याज डाल दिया है, उसके बाद मैं डालूंगी ये क्या है, लहसुन का पेस्ट, उसके बाद इसमें जाएगा अदरक, मिर्च, और जब मैंने काली मिर्च कूट के रखा था वो। तो अभी ब्लैक पेपर जो मैंने आपको बोला था मुझे नहीं मिल रहा था, तो मुझे मिल गया है, तो अभी मैं इसको भी डालूंगी इसके अंदर। तो देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है, मैं इसमें थोड़ा और काली मिर्च का पाउडर डालूंगी, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा तीखा बनाना है, और इसी से जो सूप का टेस्ट है वो आएगा। तो अभी मैं इसको भी डाल दूंगी ऐसे ही, इसमें अभी हम लोग थोड़ा चिकन के पीसेस भी डालेंगे कि सूप टू थोड़ा थिक हो बोल के। इसको मैंने धो लिया, अभी मैं इसको भी डाल दूंगी यहाँ पे। तो रेडी, ये देखिए ये पक चुका है, इतना शानदार दिखाई दे रहा है। ओ ये मीट का पीस देखिए, बन गया।